something. Could've seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here waiting for you. Hey guys, welcome back to our channel. तो अभी मैं कैमरा लाने के लिए समस्तीपुर जा रहा हूँ. तो सुबह में इतना अच्छे से नींद खुला नहीं था, इस वजह से मैं अभी से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ. तो क्योंकि उस समय आँख अच्छे से खुला ही नींद खुला नहीं था, फिर आँख और जल्दी जल्दी मैं ट्रेन भी पकड़ा इस वजह से, और रास्ते में बारिश हो रहा था. अभी भी पूरा मौसम पूरा बारिश का लगा हुआ है. तो ये पहले मैं सोचा था जानकी से चलने के लिए, माँ उससे पहले जन साधारण एक्सप्रेस आया तो उससे मैं बैठ में बैठ गया. तो अभी ये देसवा में रुका हुआ है ट्रेन. तो यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे कितना देर रुकता है ट्रेन, उसके बाद समस्तीपुर जाएंगे. फिर वहाँ पे एक मेरे भैया के फ्रेंड है, तो वो कैमरा लेके समस्तीपुर स्टेशन पे रुके होंगे. तो वहाँ से वहाँ चलते हैं, तो कैमरा लेते हैं, तब उस कैमरा से ब्लॉगिंग करेंगे. तो मेरे साथ में राजा है, ये भी मेरे साथ ही है. तो मैं इसको उठा के ले आई, वो उठा के, क्योंकि अकेले में आने में नहीं हो पा रहा था. तो इसको भी मैं बोला चलो समस्तीपुर से घूम के आते, कैमरा लेके आते समस्तीपुर से. तो ये भी मेरे साथ ही आ गया. तो अब यहाँ पर देखते हैं कितना देर रुकता है. यहाँ शायद क्रॉसिंग है ट्रेन का, इस वजह से यहाँ पर रुका हुआ है. तो मैं भी ट्रेन के नीचे उतर गया हूँ. ये संसाधन बहुत बड़ा ट्रेन है, और जो क्रॉसिंग होने वाला ट्रेन था वो भी आ रहा है पीछे से. हमारा ट्रेन चल चुका है समस्तीपुर के लिए. तो यहाँ से मुश्किल से 5 से 10 मिनट पर पहुँचा देगा समस्तीपुर जंक्शन के लिए. तो बारिश भी रुक गया है, बीच रास्ते में बारिश भी चल रहा था, तो बारिश अभी रुक गया पूरी तरीके से. और मौसम भी पूरा ठंडा हो रहा है. तो अभी हम लोग समस्तीपुर जंक्शन पहुँच चुके हैं. तो अभी भैया बोले कि ट्रेन स्टेशन के बाहर आ जाओ, वहाँ पर हम खड़े हैं. तो वहाँ पर तो अभी बाहर चलते हैं, वहाँ पे भैया खड़े हैं, तो उनसे कैमरा ले लेंगे. तो अभी ट्रेन आने में अभी टाइम है, आधा घंटा से भी ज़्यादा का टाइम बचा हुआ है. तो अभी हम लोग ऐसे ये मूविंग स्टेयर है, मूविंग वाला जो सीढ़ी होता है उस पर था घूम लेते हैं, क्योंकि ये अपने ये समस्तीपुर में ऐसा लगा हुआ है, और कोई भी अभी आसपास कोई भी स्टेशन पर कहीं नहीं लगा हुआ है. अभी ट्रेन आने में टाइम है, तो हम लोग ऐसे बस घूम लेते हैं. ट्रेन आएगा उसके बाद वो हसनपुर 8:30 बजे तक पहुंचा देगा. स्टेशन पर था बॉक्स लेते हैं, ये ना कि टीटी देख ले आपको पट करवा दे. तो ट्रेन आ चुका है अपने टाइम पे है ट्रेन आज. तो आगे रिजर्वेशन वाला डब्बा था, और पीछे जनरल वाला है. तो हम लोग का तो रिजर्वेशन था नहीं, क्योंकि अभी हम लोग टिकट कटाए हैं. तो अभी जनरल वाले में चढ़ना पड़ेगा. तो जनरल वाले में था भीड़, तो ज़्यादा भीड़ भी है, और बैठने का जगह भी नहीं है. तो और मौसम भी था ख़राब हो गया है, नीचे तो धूप निकला था, अभी फिर से बारिश पूरा लगा लग गया है. तो अभी फिर से लगता है खड़ा होकर जाना पड़ेगा. तो चलते हैं कि किसी डब्बे में बैठ जाते हैं, घर जाके फिर अच्छे से नहाएंगे, फिर कैमरा को चार्ज में भी लगाना है.
गाइस तो अभी दिन के बज रहे हैं 11 बज गए हम। तो अभी बैटरी को थर्ड चार्ज किया क्योंकि जब से सर्विस सेंटर में गया था तब से ये बैटरी डिस्चार्ज ही था। तो अभी थर्ड चार्ज हुआ है एक बैटरी, तब से हम चेक कर रहे थे क्या ना क्या कैसे होता है। तो अभी थोड़ा ही चार्ज हुआ है और लाइट चला गया है। तो ये कैमरा था भारी है मोबाइल के कंपेयर में, तो दोनों हाथ का यूज करना पड़ रहा है। तो अभी देखते हैं कैसा मोबाइल के क्वालिटी से इसका कंपेयर करेंगे तो कैसा क्वालिटी आता है इसका। तो ये अभी कैमरा से शूट हो रहा है। तो इसके पीछे एक माइक भी लगा लिया हूँ जिससे वॉइस अच्छा आए। तो ये था जा मोबाइल के कंपेयर में था भारी हो रहा है, तो इसको थोड़ा कम रख के यूज़ करेंगे। उसमें भी क्या नेटवर्क डाउन होता हो उसका, कुछ बैठ वाले का तुम आज भी चार्ज कर जाते हो कुछ कर रहा है चला ही आका वीडियो बना रहे हैं। तभी हम आ गए हैं शुभम भैया के दुकान पे, मगर इनके दुकान पर पेटीज तो है नहीं और कुछ खाने वाला भी नहीं है। तो अभी शुभम भैया कुछ है खाने वाला है, पनीर वाला है आलू वाला नहीं है। तो इनके पास आलू वाला पेटीज नहीं है, ख़त्म हो गया आज मंगाने दिए होंगे। तो शाम तक कहीं आ जाए, देखते शाम तक मंगाते या कहीं पनीर वाला ही रहेगा। तो पनीर वाला में बस हल्का छोटा सा पनीर रहता है बस नाम मात्र, तो और उसका प्राइस इतना ज़्यादा है तो पनीर वाला खाएंगे नहीं, बस आलू वाला ही मिलेगा तो खाएंगे वरना नहीं खाएंगे। तो चलते अपने दुकान पे। तो अभी मेरे साथ मौसम जुड़ चुकी है, कुछ बोला मौसम। अभी ये ऊपर है ना कैमरा ले गई थी, ऊपर बोले थे ब्लॉग कुछ वीडियो बनाने के लिए, लोग अपना है ना फोटो क्लिक करने लगी। तो और है ना सब फोटो क्लिक भी कर ली, वीडियो भी बना ली, बस सब डिलीट कर दी। ये अच्छा बात नहीं हुआ इस सब के लिए। तो मेरे साथ अभी सानू और सोनू आया है। तो ये आया था पेटीज खाने में, इन दोनों का पोपट हो गया, पेटीज था ही नहीं। तो मैं पहले ही गया था पेटीज लेने के लिए, मुझे भी नहीं मिला। और सोनू का थिंग्स अगेंस्ट चैनल है यूट्यूब पे, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे एनडीए का भी प्रिपरेशन किया करवाया जाता है। और मैं ना डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा चैनल का, तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आलू टिक्की चाट का ऑर्डर किया है 3, तो वो अभी आएगा तो उसको खाएंगे। तो अभी वहाँ पे 5 मिनट का टाइम तो लगेगा आलू टिक्की वाले चाट में, तब आता है। तो अभी जा रहे हैं उस घर पे क्योंकि उस घर का गेट अभी खुला हुआ है, तो उस घर का गेट लगाना है। और उस घर पे कुछ सामान है वो भी लेके आना है इस घर पे, क्योंकि अब इसी घर पे अब डेली सोएंगे। तो अभी रात का टाइम है तो उतना अच्छा तो लाइट आएगा नहीं, थोड़ा अंधेरा भी आएगा रात के टाइम पे। तो अभी खाना वाना खा लिए हैं, तो उस घर पर से है ना कुछ सामान लाना है, तो उस घर पर सामान ला के उसके बाद वीडियो एडिट करके सो जाएंगे। हे गाइस, तो अभी डिनर हो गया है मेरा और मैं भी वीडियो एडिट कर रहा था, और वीडियो भी एडिटिंग पूरा कंप्लीट हो गया है, बस ये पार्ट ऐड करना है वीडियो में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।